ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो था टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। अब टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर भी हमने तीन अलग अलग टाइप्स देखे थे। एक था डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल और एक्सपेरिमेंटल। अब डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमने देखा था ये तीनों की डेफिनेशंस हैं, हमने एक एक करके हम देखते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हमने देखा था कि तीन तरीके के रिसर्च हो सकते हैं। एक हो सकता है केस स्टडी, दूसरा हो सकता है सर्वे और तीसरा हो सकता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। अब केस स्टडी के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, है ना। केस स्टडी के अंदर हमने एग्जाम्पल दिया था कि छोटे छोटे एक एक केसेस या दो दो केसेस की डिटेल्ड स्टडी हम लोग कर सकते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रॉब्लम क्या है, कैसे हुई है, वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही केस स्टडीज जो साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा फेमस है, ये तीन केस स्टडीज़ हैं। एक आपने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर लास्ट ईयर पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी होगी, जीन पियाजे की। ठीक है, उसने जो चारों स्टेज की थ्योरी दी थी, वो जो थ्योरी है वो उनके बच्चों पर जो ऑब्जर्वेशन किया था, डिटेल ऑब्जर्वेशन किया था, उस पर आधारित थी। ठीक है, तो जो पियाजे ने जो थ्योरी डिस्क्रिप्शन केस स्टडी के थ्रू दी थी। ठीक है, सिगमंड फ्राइड के बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज है, दो तीन थ्योरीज हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो लिटिल हैंस का जो स्पेसिफिक केस स्टडी है, जो उनके पास जो केस आया था, उस केस के थ्रू उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है और ये केवल इस लिटिल हैंस के साथ नहीं, और भी केसेस में देखने को मिल सकता है। न्यूरोसाइकोलॉजी में फीनस गेज एक ऐसा पर्सन था जिसका एक एक्सीडेंट हुआ था और फ्रंटल लोब में उसका इम्पेयरमेंट था, मतलब सामने वाले जो फ्रंट वाला हिस्सा था ब्रेन का, वो एक्सीडेंट के थ्रू डैमेज हो गया था, पर बाकी जो ब्रेन का बाकी जो हिस्सा था वो इंटेक्ट था, ठीक था। ठीक है, केवल फ्रंटल लोब का स्पेसिफिक एरिया डैमेज हुआ था। अब उस डैमेज के कारण उसकी पर्सनालिटी में कौन कौन से चेंजेस आए, उसमें कौन कौन से परिवर्तन आए, वो एक बड़ा स्टडी का विषय था। और वो आप यदि फीनस गेज सर्च करेंगे तो बहुत बहुत डिटेल के अंदर स्टडीज मिलेगी उन। ठीक है, लिटिल हैंस भी सर्च करेंगे तो भी आपको डिटेल के अंदर डिस्क्रिप्शन बहुत सारे आसानी से मिल जाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो एक तरीका होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, केस स्टडी। दूसरा जो हम यूज़ करते हैं वो है सर्वे। सर्वे हमने न्यूज़पेपर के दोनों एग्जांपल लेके डिस्कस किए थे, है ना। और यूजुअली जो करंट स्टेटस देखते हैं वो सर्वे के थ्रू ही देखते हैं। ठीक है, सोशल रिसर्च के अंदर यदि आप पीएचडी देखने जाओगे तो 10 में से 3 या 4 पीएचडी सर्वेज होंगे, बेसिक सर्वेज होंगे। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमने एग्जांपल देखा था वो था नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या है कि यूजुअली एनिमल्स पे, एनिमल स्टडीज़ में या बायोसाइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लोग इस तरीके की ऑब्जर्वेशन करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, और घर में आके बाद में नोट करते हैं या शाम को बैठ के नोट करते हैं, इस तरीके के ऑब्जर्वेशन नहीं होते हैं। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इस तरीके के नहीं होते हैं। एक जो मैं बुक लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा था, आपको यूट्यूब वाले लेक्चर में भी मिल जाएगा, उसके अंदर बुक मैंने डिस्क्राइब की हुई है। मैं एक बुक का छोटा सा एग्जांपल आपको खोल के बता रहा हूँ कि इसके अंदर उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, ऑब्जर्वेशन जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है उसका एग्जांपल किस तरीके से दिया हुआ है। अभी आपको जो स्क्रीन दिख रही है ये मैंने बुक खोली हुई, ये ओपन सोर्स बुक है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के थ्रू है, मतलब कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी देख सकता है। ठीक है,
और ये बहुत अच्छी बुक मुझे लगी, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी किताब है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसमें भी डाला हुआ है, गूगल क्लासरूम में भी डाला हुआ है, ठीक है, जो फोल्डर है ना कॉमन फोल्डर उसके अंदर डाला हुआ है। yes. और लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो उन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दिया है कि एनिमल स्टडी की, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया है वो एक स्ट्रेंज बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे थे जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, स्ट्रेंज बिहेवियर आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो स्ट्रेंज बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे थे। अब इस स्ट्रेंज बिहेवियर के अंदर ये जो है ये पूरा उनका ऑब्जर्वेशन टेबल है, ठीक है। तो उन्होंने पहले से डिफाइन करके रखा था कि प्रॉक्सिमिटी क्या होती है, ठीक है, मेंटेनिंग कॉन्टेक्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, अवॉइडेंस क्या होगा। तो अवॉइडेंस होगा यदि बच्चा अपनी माँ या फिर एडल्ट के पास में ना जाए, ठीक है, उससे दूर हो जाए, ठीक है, तो अवॉइडेंस होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, बच्चा यदि धक्का देता है या हिट करता है या चिल्लाता है तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें पहले उन्होंने डिफाइन कर ली। उसके बाद उन्होंने प्ले बिहेवियर, मदर के साथ प्ले बिहेवियर देखा उन्होंने कि इस तरीके से ये इंसिडेंट्स कितनी कितनी बार हो रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंज बिहेवियर या अलग अलग बिहेवियर की फ्रीक्वेंसीज है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। ये मदर बेबी प्ले अलोन ये बहुत कम टाइम, एक 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 बार ही हुआ है, ठीक है। पर यदि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले देखेंगे तो मदर रीइंटर्स ग्रीट एंड मे कम्फर्ट बेबी देन लिव्स अगेन, ये वाला बहुत कॉमनली हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग फ्रीक्वेंसी, ये भी कॉमन है, ठीक है, मदर रीइंटर्स एंड पिक्स अप द बेबी, ठीक है, ये भी कॉमनली हुआ है। तो इस तरीके से ये बिहेवियर ये लोग ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करना केवल एक नहीं, एक स्पेसिफिक बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये चीज़ें कितनी बार हो रही है, ये जितने किस तरीके से हो रही हैं, ठीक है, इस तरीके से इनका ऑब्जर्वेशन चलता है। अब इसके बाद जो हमने डिस्कस किया था और जहाँ पे हमने छोड़ा था वो था कोरिलेशनल रिसर्च। अब कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर हमने देखे थे कि दो बहुत सारे एग्जांपल लिए थे, पर एक्चुअली दो वेरिएबल्स होते हैं और दोनों वेरिएबल्स के हम रिलेशन देखते हैं, पर रिलेशन देख के अल्टीमेटली पता क्या चलता है कि यदि वेट और हाइट, हाइट और वेट दोनों का कोरिलेशन देख रहे हैं और दोनों का पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, आगे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ सॉल्यूशन कर सकते हैं उसका, या उसको कुछ आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ नई चीज डेवलप कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यदि हमने हाइट और वेट का कोरिलेशन यदि निकाल लिया है कि एक पर्सन की हाइट इतनी होगी तो उसका वेट इतना होगा, ठीक है, लगभग लगभग इतना होगा, ठीक है। यदि हमने ये दोनों चीज़ें और दोनों का कोरिलेशन निकाल लिया और हाई कोरिलेशन आया है, ठीक है, तो यदि हम एक चीज़ बता दें, ठीक है, कि हाइट बता दें तो उसका लगभग लगभग वेट हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं बाद में, है ना। तो जो ये कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर एक जो टर्म यूज़ करते हैं, एक होता है कोरिलेशन, एक होता है रिग्रेशन, ठीक है। जो कोरिलेशन वाला जो पार्ट है, क्योंकि सबसे पहले हम कोरिलेशन देखते हैं, कोरिलेशन मतलब एक दूसरे के बीच में संबंध देखते हैं। यदि कोरिलेशन है, कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, कोई सा भी हो, यदि कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है तब जाके हम रिग्रेशन यूज़ करते हैं, और रिग्रेशन हमेशा प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। वही जिनका कोरिलेशन निकाला उन्हीं में से एक वेरिएबल यदि हम बता देते हैं तो दूसरा वेरिएबल डिग्री तक हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रेडिक्शन 100% सही नहीं होता है, ओवरऑल ठीक होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, पर उसी रेंज में होता है, एकदम बाहर नहीं जाता है, ठीक है। yes, तो इस तरीके से कोरिलेशन हमें फ़ायदा करता है कि हमें यदि कोरिलेशन पता है तो हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका
प्रिडिक्शन ये होगा, ठीक है। पर रिलेशनशिप जब हम देखते थे तो हमने दो रिलेशन, तीन तरीके के रिलेशन देखे थे, ठीक है। एक देखा था पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा देखा था नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, और तीसरा देखा था नो कोरिलेशन, ठीक है, नॉट एट ऑल, ठीक है। और यदि ये कोरिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, यदि ये कोरिलेशन एग्जिस्ट करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, अब इनके अंदर भी कई बार क्या होता है कि कोई से भी वेरिएबल्स या लाइफ के अंदर सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती हैं, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें स्ट्रेट नहीं होती हैं, कभी कभी रिलेशन जो है वो लीनियर नहीं होता है। अब लीनियर का मतलब मैं आपको स्क्रीन पे थोड़ा, कुछ रिलेशन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है, कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। हम लीनियर भी नहीं बोलते हैं, ठीक है, कि पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब यदि आपको स्क्रीन दिख रहा हो तो यदि एक वेरिएबल बढ़ रहा है, यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल बढ़ रहा है, एक्स वेरिएबल बढ़ रहा है तो वाई वेरिएबल भी बढ़ रहा है, तो डायरेक्शन जो लाइन बनेगी हमारी, ठीक है, वो अप साइड जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है, ठीक है, वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। यदि लाइन नीचे की तरफ जा रही है तो वो नेगेटिव कोरिलेशन है। पर हमेशा ये नहीं होता है कि एक सिंगल लाइन के थ्रू ही आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही एक्सप्लेन करें। जब रिलेशन स्ट्रेट लाइन के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे कि ये वाला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, yes, sir. एक कर्व बना हुआ है, मतलब इन्वर्टेड यू है, उल्टा यू है, ठीक है, yes. और यहाँ पर भी एक यू बना हुआ है, इस तरीके का रिलेशन है। मतलब शुरुआत में नेगेटिव, यदि इसमें देखें तो शुरुआत में पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद में, कुछ फ्रीक्वेंसी जाने के बाद में रिलेशन नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम देखते हैं कि एक सीधी लाइन के थ्रू यदि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं तो हम उसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, और यदि सीधी लाइन के थ्रू हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तब हम उसको बोलते हैं कर्वी लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। अब इसके कोई से एग्जांपल आप सोच सकते हैं कि कर्वी लीनियर रिलेशनशिप क्या हो सकता है? मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया है कि यदि आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ जो बिहेवियर होता है, स्टाफ का बिहेवियर और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन दोनों का रिलेशन देखा गया कि यदि स्टाफ खुश होता है, हैप्पी रहता है और कस्टमर से अच्छे से बात करता है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, ठीक है। पर एक स्टेज के बाद यदि चीयरफुलनेस बहुत ज़्यादा होती है स्टाफ के अंदर तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होना शुरू करता है। तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे स्टाफ तो वो काम पे ध्यान नहीं देंगे, दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे और कस्टमर सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे गिरेगा, ठीक है। yes. तो ये कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। इस तरीके के दोनों रिलेशनशिप होते हैं। यूजुअली हम लीनियर रिलेशनशिप की ही बात करते हैं या लीनियर कोरिलेशन की ही बात करते हैं, पर कभी कभी क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, कई बार ये वाले रिलेशनशिप भी शो अप होते हैं, दिखते हैं, ठीक है। yes. अब इसके बाद अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे फिनोमेना यूज़ करते हैं ये लोग, ठीक है। जो मैंने आपको अभी ग्राफ दिखाया था, ठीक है, जिसके अंदर डॉट्स बने हुए थे, ये सारी चीज़ें थी, इनको स्केटर प्लॉट बोलते हैं, ठीक है, स्केटर प्लॉट बोलते हैं। और ये जो है ये एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में होता है, देखने के लिए होता है कि आपका कोरिलेशन किस साइड में जा रहा है, कैसे दिख रहा है ना, yes. ठीक है। अब कोरिलेशन के अंदर ही दो तरीके के वेरिएबल्स हम बोलते हैं, पहला होता है प्रेडिक्टर और दूसरा होता है आउटकम, ठीक है। प्रेडिक्टर वो होता है जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि दूसरा जो वेरिएबल है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो एक प्रेडिक्टर होगा, दूसरा आउटकम होगा, ठीक है। yes. कई बार रिलेशन केवल सिंगल साइडेड होते हैं, ठीक है, जैसे यदि हाइट और वेट हम देख रहे हैं, ठीक है, तो हाइट yes. यदि बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा,
बढ़ेगा, ठीक है। ये सिंगल साइड कोरिलेशन है, मतलब प्रेडिक्टर कौन हुआ, हाइट, आउटकम वेरिएबल कौन सा हुआ, वेट, वेट, बिल्कुल। यदि अब उल्टा करके यदि हम देखें कि यदि वेट बढ़ेगा तो इसका मतलब है हाइट बढ़ेगी, नहीं सर, है ना। तो ये केवल एक साइड का सिंगल साइड वाला रिलेशन हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है, और दूसरी चीज बढ़ रही है तो पहली चीज बढ़ रही है। तो हमेशा प्रेडिक्टर जो वेरिएबल, इस रिलेशन की यदि बात करें तो प्रेडिक्टर वेरिएबल जो होगा वो हाइट होगी, हाँ हाइट होगा, और आउटकम वेरिएबल वेट होगा, ठीक है। यदि हम कर्वी लीनियर रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, जैसे कि आज तक आपने कल एग्जांपल जो दिया था रेनफॉल और क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। Yes, अब यदि यदि इसका रिलेशन देखें कि बारिश कम हो रही है तो प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है। बारिश मीडियम मतलब ठीक ठाक हो रही है तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। यदि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो फिर से प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये एक कर्वी लीनियर रिलेशनशिप बन गया हमारा, है ना। Yes. मतलब एक तरफ से पहले कम था, फिर बढ़ा, फिर कम था, तो ये इन्वर्टेड यू वाला रिलेशनशिप हुआ हमारा, है ना। Yes. इसी तरीके से बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट की बारी आती है फिर, तो असाइनमेंट में आपको इसके अलावा जो आस्था ने एग्जांपल दिया उसके अलावा सबको एक एक कर्वी लीनियर रिलेशनशिप का या कोरिलेशन का एक एग्जांपल ढूंढना है, ठीक है, और नोट yes. डाउन करके उसको असाइनमेंट में सबमिट करना है। मैं क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा, है ना, क्लास के बाद में, ठीक है। हाँ बोलो। यस क्या हुआ? हाँ बोला ना सर। तो आपने ही बोला, बाकी लोगों ने नहीं बोला ना। चलिए ठीक है, है ना। तो अगला जो है, जो हमने डिस्कस लास्ट टाइम नहीं किया था, वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है सर, ये स्क्रीन जूम्ड इन आ रही है। जूम्ड इन आ रही है? यस सर। अब सही है सर। अब सही है? वो मैंने पूरा कंप्लीट स्क्रीन रखा है, मेरा रेजोल्यूशन अलग है, आपका थोड़ा सा अलग है। चलिए ठीक है, तो शॉर्ट में करके देखते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ठीक है, वो जो बाकी चीज़ों में जो कमियां हैं वो पूरी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने कमियां डिस्कस करी या नहीं करी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और कोरिलेशन रिसर्च के अंदर कौन से मेजर फ्लॉन्स हैं, मेजर कमियाँ हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, साइंटिफिक भी है, पर यदि उसका मतलब साइंस में कंट्रीब्यूशन देखें तो वो केवल एक स्नैपशॉट है, एक केवल करंट अभी जो स्थिति है उसका केवल एक पिक्चर लेता है, एक करंट स्टेटस लेता है, उससे ज़्यादा वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। वो हाउ एक्सप्लेन करता है पर वाई एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। और वो एक दूसरा यदि डिस्क्रिप्शन है तो वो रिलेशन, एक दूसरे के रिलेशन को भी नहीं बता, डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, जो आपस में रिलेशन है उसको बिल्कुल नहीं बताता है, ठीक है। जो कोरिलेशन वाला जो रिसर्च है उसके अंदर फ़ायदा ये है कि वो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं संबंध बताता है, ठीक है, और आपको प्रेडिक्ट करने में मदद करता है, ठीक है, कि यदि एक वेरिएबल अवेलेबल है, पता है, तो दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। पर उसके बावजूद हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं या ये पता नहीं लगा पाते हैं कि जो डिपेंडेंट या आउटकम वेरिएबल है, ठीक है, कोरिलेशन स्टडी के हिसाब से जो आउटकम वेरिएबल है वो किस कारण से हुआ, वो जो चेंज हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, मतलब हाइट में जो हाइट बढ़ रहा है उसके साथ साथ वेट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, पर वेट बढ़ क्यों रहा है, ठीक है, हाइट के कारण तो नहीं बढ़ रहा है कि हाइट बढ़ रही है इसीलिए वेट बढ़ रहा है,
ठीक है, ऐसा तो नहीं है। तो हम जो कॉजल रिलेशनशिप है, ठीक है, कॉजल मतलब कारण, उस चीज का कारण कि वो क्यों हो रहा है, ठीक है, डिप्रेशन, ठीक है, घर में कोई इंसिडेंट्स हुआ या फिर आपके मूड स्टेट चेंज हुआ, उसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, पर जो कारण है वो पता करने के लिए आपको कोरिलेशन रिसर्च से भी एक स्टेप आगे जाना पड़ता है, वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या करता है, वो ये आइडेंटिफाई करता है कि कोई सी भी वेरिएबल है, कोई सी भी वस्तु है, वो क्यों हो रही है, उसके पीछे का कारण पता करने की कोशिश करता है। अब कारण पता करने की कोशिश करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, वो सिंपल ऑब्जर्वेशन से नहीं हो सकता है, केवल कोरिलेशन के थ्रू नहीं हो सकता है, उसको पता करना पड़ता है और उसके पीछे ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है बजाय कि डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशन रिसर्च के। ठीक है, इसके अंदर दो स्पेसिफिक टर्म्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, इसके अंदर दो स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मैं छोटा सा अच्छा से एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, यदि आपको वो चीज़ समझ में आएगा तो बाकी चीज़ों पे भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल ये है जो हमने कल या परसों की क्लास में डिस्कस किया था, जो बोबो डॉल वाला था, एग्रेशन वाला, लर्निंग वाला जो था, कि चीज़ों को देख करके गुस्सा आना या एग्रेसिव बिहेवियर टीवी पर देखना या वीडियो गेम्स में देखना या वीडियो गेम में खेलना, उसका प्रभाव आपके गुस्से पे, आपके एग्रेसिव बिहेवियर पे कितना पड़ता है। ठीक है ना, यदि मैं ये स्टडी करना चाह रहा हूँ कि जो एग्रेसिव बिहेवियर है, गुस्सा जो है, गुस्से का व्यवहार जो है, वो क्या पबजी खेलने से या फिर दूसरे गेम्स जो वायलेंट गेम है वो खेलने से आ रहा है या नहीं आ रहा है, यदि मुझे ये पता करना है, तो क्योंकि मैं कारण पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एग्रेसिव गुस्से वाला बिहेवियर है ये क्यों आ रहा है, ठीक है, किस वजह से आ रहा है, तो पहले मैंने शॉर्ट लिस्ट किया कि हो सकता है 3 या 4 कारण हो उसके एग्रेशन को बढ़ाने के लिए या एग्रेशन को डेवलप करने के लिए। ठीक है, और मैं केवल एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ इस बार। ठीक है, कि मान लो वीडियो गेम, एग्रेसिव वीडियो गेम्स खेलने से एग्रेशन बिहेवियर होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो मैं पता क्या कर रहा हूँ कि एग्रेशन किस कारण से हो रहा है। ठीक है, मुझे कॉज पता करना है। ठीक है, अब यदि मुझे कॉज पता करना है उसका, तो मुझे एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना होगी। ठीक है, अब इसके अंदर एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। कोई सी भी चीज़ जो दूसरे वेरिएबल आपके एक्सपेरिमेंट में ही दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट हो, ठीक है, आश्रित हो, जैसे कि गुस्से वाला बिहेवियर, बच्चे का गुस्से वाला बिहेवियर जो है वो किसी न किसी चीज़ पर बेस्ड है, गुस्सा एकदम से नहीं आ रहा, अचानक से नहीं हो गया। ठीक है, वो किसी दूसरी इंसिडेंस, दूसरे फैक्टर पे बेस्ड है। ठीक है, इसलिए वो इस स्टडी के अंदर एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और जो चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है कि गुस्से का कारण और भी हो, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, बच्चे में गुस्से के कारण और क्या क्या हो सकते हैं बताओ। अगर उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा हो, या बिल्कुल फिर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ, तो पेरेंट या तो उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, या फिर जो पीयर्स हैं या फिर जो सिबलिंग्स हैं वो उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसके अंदर एग्रेशन बढ़ रहा है, एक कारण ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, और कोई बताएगा? उसकी नीड्स अगर फुलफिल नहीं हो रही हो, हाँ, वो भूखा हो या फिर जो वो डिमांड कर रहा है, ठीक है, वो उसको नहीं मिल रहा है,
ठीक है, उस वजह से गुस्सा हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि जो वो वीडियो गेम या फिर मोबाइल पे जो गेम्स वो खेल रहा है, ठीक है, वो एग्रेसिव बिहेवियर वाले खेल रहा है, ठीक है, गुस्से वाले, मारपीट वाले खेल रहा है, ठीक है। यदि वो उसको देख रहा है तो एग्रेशन हो सकता है, गुस्से वाले बिहेवियर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और उस कारण में से एक कारण का हम कॉजल बिहेवियर, मतलब एक का केवल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बाकी का अभी नहीं कर रहे हैं। बाकी का हो सकता है और कोई बिहेवियर, मतलब कोई स्टडी, एक्सपेरिमेंटल ही रिसर्च और कोई व्यक्ति भी करे, ठीक है। एक तो जैसे प्राची ने बताया कि उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, उसका कोई रिसर्च और भी व्यक्ति कर सकता है, ठीक है, या फिर पेरेंट या फिर सिबलिंग उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, उसका भी एक रिसर्च अलग से हो सकता है। पर मान लो करंट में हम केवल ये देख रहे हैं कि जो गेम्स हैं, एग्रेसिव गेम्स एग्रेशन को कितना प्रभावित करते हैं, यदि केवल ये देखना है तो हमको बाकी जितने कारण है, ठीक है, भूख वाला हुआ या फिर कोई सी चीज़ की डिमांड करने वाला हुआ या पेरेंट का बिहेवियर हुआ या सिबलिंग का बिहेवियर हुआ, सारी चीज़ों को एक जैसा रखना पड़ेगा सारे लोगों में, ठीक है। यस सर, समझ रहे। यदि वो भी चेंज हो रहे हैं और ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ चेंज हो रही है, तो हमें कारण का पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि हम एग्रेशन, एग्रेसिव बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं और गेम्स का प्रभाव देख रहे हैं, एग्रेसिव गेम्स का प्रभाव देख रहे हैं गुस्से वाले बिहेवियर पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम जो एग्जांपल देख रहे थे, एक है एग्रेसिव बिहेवियर और दूसरी चीज़ है वीडियो गेम्स, ठीक है, और वो भी एग्रेसिव वीडियो गेम्स। तो यदि कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें क्या, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, पहले तो हम 100 सब्जेक्ट्स लेंगे, 100 सब्जेक्ट्स लेंगे, ठीक है, या 100 बच्चे लेंगे जो रेंडमली सिलेक्टेड होंगे, ठीक है, एक नहीं है कि केवल एक स्कूल गए और एक स्कूल में से जाके 8th के सारे बच्चे ले लिए, नहीं, रेंडमली सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम उनको रेंडमली दो अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे, ठीक है, 50 एक ग्रुप में आएंगे और 50 दूसरे ग्रुप के अंदर आएंगे, आपको दिख रहा है ना। यस सर, ठीक है, तो 50-50 अलग अलग ग्रुप में हमने डिफ्रेंशिएट किए। अब इसको नाम देते हैं हम ग्रुप ए, इसको नाम देते हैं ग्रुप बी। अच्छा, ये भी जो 50-50 वाला जो सिलेक्शन है, ठीक है, ये भी रेंडमली करते हैं। अब रेंडमली क्या होता है, कैसे करते हैं रेंडमली सिलेक्ट, बिना किसी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस, नहीं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस हो गया ना, रेंडम कैसे हुआ, रेंडम का मतलब हुआ है या तो हम रेंडम नंबर्स यूज करते हैं या कंप्यूटर जनरेटेड रेंडम नंबर्स होते हैं या रेंडम नंबर्स की एक बुक आती है, ठीक है, वो यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर टॉस करके भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हेड आया तो उसको इस ग्रुप में रखेंगे और टेल आया तो इस ग्रुप में रखेंगे, सारे बच्चों में एक सारी चीज़ें वही करते हैं। एक रेंडम नंबर जनरेटर होता है कंप्यूटर के अंदर जो आपको एक नंबर बताता है, तो हम बोलते हैं कि यदि इवन नंबर आया तो ए ग्रुप में रखेंगे, हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, और ऑड नंबर आया तो हम दूसरे ग्रुप में रखेंगे। इसी तरह 100 बच्चों को हम लोग रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब रेंडमली क्यों करते हैं, क्योंकि यदि हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे लेते हैं तो उसका प्रभाव भी इस पे पड़ता है, और रेंडमली लेते हैं तो जितने केसेस, यदि जैसे पेरेंट का बिहेवियर अच्छा नहीं है बच्चे के साथ, तो हो सकता है 2-4 बच्चों का के पेरेंट का बिहेवियर इसमें भी ख़राब है और 2-3 बच्चों का इसमें भी ख़राब है, तो लगभग लगभग इक्वलेंट हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इसको हम रेंडमली ग्रुप में असाइन करते हैं। अब एक बच्चे को हमने, दोनों बच्चों को हमने 2-2 घंटे गेम्स खिलाए, पर गेम दोनों में अलग अलग थे, ठीक है, गेम दोनों को खिला रहे हैं, इसके अंदर एक एग्रेशन वाला गेम खिलाया, ठीक है, एग्रेशन वाला, और ये
नॉन एग्रेशन वाला गेम खिलाया, ठीक है। और इसके बाद उस बच्चे का हमने गुस्से का एग्रेशन बिहेवियर का लेवल देखा, ठीक है। अब वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही हो सकता है, और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम पहले ही डिफाइन कर लेंगे कि इस चीज़ को एग्रेशन बोलेंगे, ठीक है, कि वो कोई सी चीज़ फेंकता है उसको एग्रेशन बोलेंगे, ज़ोर से बोलता है उसको एग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। एक एक स्पेसिफिक डिफाइन कर लेंगे पहले से हम लोग कि इस चीज़ को हम एग्रेशन बिहेवियर कहेंगे, और वो कितनी बार हो रहा है, दिन में कितनी बार हो रहा है, वो चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। और ऐसा हो सकता है, यदि स्टडी आपको करना है, अच्छे से स्टडी करना है, तो 15 से 20 दिन हम लोग दोनों में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब केवल चेंज क्या हुआ, एक ही चीज़ चेंज हुई, ठीक है। सारे स्टडी के अंदर दो ग्रुप बने, एक ग्रुप के अंदर केवल एग्रेशन वाले वीडियो गेम्स खेले बच्चे ने, और दूसरे वाले ग्रुप के अंदर उसने नॉन एग्रेशन वाले गेम्स खेले। और उसके बाद यदि कोई सा परिवर्तन आता है दोनों के व्यवहारों में, दोनों ग्रुप के व्यवहारों में यदि कोई सा परिवर्तन आता है, तो हम आखिरी में ये कह सकते हैं कि ये जो व्यवहार का परिवर्तन है, ये इन एग्रेसिव गेम्स और नॉन गेम्स के कारण आया है, आया है, यस, ठीक है। ये बात तभी हम बोल सकते हैं जब इस तरीके के बड़े एक्सपेरिमेंट किए जाएं, ठीक है। यदि छोटे से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, या फिर कोरिलेशन रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जाती है, ठीक है, तो इस तरीके के आंसर्स साइंटिफिकली हम नहीं दे सकते हैं कि एग्रेशन वाले गेम्स के कारण ही एग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है, इस तरीके से नहीं बोल सकते, ठीक है। अब क्लास का ऐसे तो टाइम हो गया है आपका, मैं फिनिश करता हूँ काम पर। ये वाली जो रिसर्च है, इसका एक इसके एक आर्टिकल है, ठीक है, जो पब्लिश हुआ है, यही का यही साइंटिस्ट ने रिसर्च किया हुआ है, ठीक है। ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन जो है वो उनमें डिफरेंट है, ठीक है। मैं वो आर्टिकल डालता हूँ और आपको एक क्वेश्चन पोस्ट एक वो चीज़ पोस्ट कर रहा हूँ असाइनमेंट। आपको केवल ये बताना है कि वो वाले रिसर्च के अंदर, ठीक है, जो रिसर्च में पोस्ट करने वाला हूँ उस वाले रिसर्च के अंदर फाइंडिंग क्या आया, पता क्या चला, ठीक है, कि सही में एग्रेशन वाले गेम्स खेलने के कारण एग्रेशन होता है या नहीं होता है, ठीक है, yes, sir. है ना। तो अल्टीमेटली आज की क्लास हम आज ये ख़त्म करते हैं। आपको दो असाइनमेंट हैं, दोनों असाइनमेंट मैं पोस्ट कर रहा हूँ बहुत जल्दी, ठीक है, और आप ये वाला वीडियो एडिट होने के बाद में शाम तक ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मैंने चैनल की लिंक डाली हुई है। तो यदि कोई पर्सन मिस कर देता है या फिर कोई सब क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसमें भी पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और क्लासरूम के अंदर भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वेरिएबल्स वाला है, टाइप्स एंड नेचर एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।